हाय गाइस, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू किंद्र ब्यूटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे डार्क सर्कल आसानी से फाउंडेशन से छुपा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र मैं अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ। अगर आपके पास आई क्रीम नहीं है तो आप अपने अंडर आइज़ पर मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। उसके बाद मैं क्रीम लगा रही हूँ, आई क्रीम। इसको मैं दोनों हाथों में थोड़ा सा रब करके अपने आँखों के नीचे और आईलिड पर लगाऊंगी और धीरे धीरे अपनी रिंग फिंगर से मसाज करूंगी। तो हमें धीरे धीरे यहाँ पर मसाज करनी है, बहुत ही जेंटली मसाज करनी है। ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ स्किन थोड़ी सी पतली होती है, थिन होती है। और उसके बाद मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज कंसीलर फ्रॉम एले प्रो कवरेज है इसका नाम। और ऐसे थोड़ा सा हमें लगाकर ऐसे हल्का हल्का ब्लेंड करना है। तो कुछ इस तरह का कलर है इसका, ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं है, थोड़ा डार्क बर्नट ऑरेंज है। और उसके बाद इसको मैं धीरे से बिल्कुल थोड़ा सा अपने अंडर आइज़ पर लगाऊंगी। ज़्यादा नहीं लगाना है, मोटी सी लेयर नहीं करनी है, अदरवाइज़ वो फाउंडेशन के नीचे से दिखने लगेगी और फाउंडेशन ऑरेंज टोन का नज़र आएगा, बिल्कुल ही अगली लगेगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंडर आइज़ के नीचे लगाना है। यहाँ अगर आपके बिल्कुल डार्क अंडर आइज़ हैं तब भी आप ये टेक्निक अगर अपनाएंगे तो आपके अंडर आई सर्कल्स छुप जाएंगे विद फाउंडेशन। तो इसको मैं रिंग फिंगर से हल्के हल्के बहुत ही जेंटली ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ब्लेंड होने के बाद ये इतनी मोटी सी थिक लेयर नहीं बनी है, बिल्कुल जो मेरे अंडर आइज़ के नीचे स्किन में हल्का हल्का एब्जॉर्ब हो गया है। तो बस हमें ऐसे हल्का हल्का जेंटली इसको ब्लेंड करना है। और उसके बाद ये फाउंडेशन है सुपर स्टे फाउंडेशन जो मेबिलिन का है। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी इसका शेड क्या है। उसको मैं ऐसे ब्रश की सहायता से लगा रही हूँ। यहाँ हमें ब्रश स्टिपलिंग मोशन में यूज़ करना है। और अंडर आई पर भी अगर आप जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ भी हमें स्टिपलिंग मोशन में ऐसे ब्रश को यूज़ करना है। इधर से उधर रगड़ना नहीं है, सिर्फ स्टिपल करना है ब्रश को। और कुछ इस तरह से मैं पूरे फेस पर लगाकर अंडर आई जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज कंसीलर लगाया है कुछ इस तरह से मैं स्टिपल कर दूंगी फाउंडेशन को। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर इधर उधर हम रगड़ेंगे तो फिर वो फाउंडेशन कंसीलर में मिल जाएगा और फिर से वही ऑरेंज टोन नज़र आएगा। तो कुछ इस तरह से हमें आँखों के नीचे फाउंडेशन को स्टिपल करना है। और बस मैं सारे फेस पर ऐसे फाउंडेशन को लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर से थोड़ा सा फाउंडेशन अपनी फिंगर टिप पर लेकर ऐसे आंखों के नीचे लगाऊंगी। यहाँ मैं कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगती। और ऐसे हमें फिंगर टिप की सहायता से ब्लेंड कर देना है फाउंडेशन। तो ऐसे आप नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको कोई भी सेट करना है किसी भी चीज़ से। तो ये तो ड्रग स्टोर का है सेटिंग पाउडर, ये आप एवरीडे बेसिस पर लगा सकते हैं, ये अच्छा लगता है। उसके बाद स्पेशल ओकेजन पर आपको कुछ इस तरह का पाउडर आप लगा सकते हैं। ये मेबिलिन का भी मिलता है और हुडा ब्यूटी का भी मिलता है। तो एवरीडे रूटीन के लिए मैं ये लगाती हूँ, कुछ इस तरह से ब्रश पर लेती हूँ सेटिंग पाउडर को और इस तरह से ऊपर देखते हुए लगाती हूँ ताकि जो पूरी क्रीज पर मेरा जो पाउडर चला जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए मेरी अंडर आइज। तो अभी मैंने अंडर आइज को सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो पूरी तरह से हाइड हो गए हैं। ये ट्रिक तब भी काम आती है जब आपके एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स हों। बस ऑरेंज कंसीलर थोड़ा सा हल्का सा लगाइए और ऊपर से फाउंडेशन लगा लीजिए। एक तो ये बहुत ही नेचुरल सा लगता है, बिल्कुल केकी नहीं लगता, और ऊपर से आपको अलग से कंसीलर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेकअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑरेंज अंडरटोन, बिल्कुल डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी ग्रेइश नहीं लग रहे हैं। तो ये होगी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपके ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।